हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में कि 2023 में YouTube पे आप लोग जब मोनेटाइज करने जाओगे, अप्लाई करने जाओगे, तो दोस्तों बहुत सारे यूजर्स का, यूट्यूबर्स का यहाँ पे मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। वो किस वजह से होता है? आप लोग अगर फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो यूट्यूब चैनल को अपने मोनेटाइज, या आप लोग करने वाले हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल रिजेक्ट ना हो मोनेटाइजेशन को लेके, आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है वो आसानी से मोनेटाइज हो जाए। तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप लोग भी अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब आप लोगों के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, तब दोस्तों आप लोगों को YouTube पे YT स्टूडियो में अप्लाई का ऑप्शन आता है, जो आप लोगों के चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आप लोगों को करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग वहां से अप्लाई करते हो तो आप लोगों की जो फर्स्ट स्टेप होती है दोस्तों, आप लोगों की वो कंप्लीट हो जाती है कुछ सेकेंड्स के अंदर। लेकिन जो आप लोगों की सेकेंड स्टेप होती है वो दोस्तों सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें ही आप लोगों का जो चैनल होता है वो रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्या करें आप कि आप लोगों का जो सेकेंड स्टेप है गूगल एडसेंस का, वो आसानी से कंप्लीट हो जाए? तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना गूगल एडसेंस जो है, आप लोगों को अपनी मोनेटाइजेशन से पहले ही अपने गूगल एडसेंस को बना लेना है किसी अदर जीमेल अकाउंट से। आप लोगों को मैंने बताया है, अगर आप लोग अपने YouTube से, आप लोग YouTube वाली Gmail अकाउंट से अगर आप लोग अपना Google AdSense का अकाउंट बनाते हो तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोग जाके मेरी वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को नए Gmail अकाउंट से आप लोगों का नया Google AdSense अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों ये भी चेक कर लेना है कि आप लोगों का Google AdSense कभी पहले तो नहीं बना, आप लोगों ने बना के तो नहीं रखा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों का पुराना Google AdSense होगा अकाउंट, तो दोस्तों वहां से आप लोगों का जो AdSense होगा वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोगों वहां से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों ने क्या गलती की है। तो अगर आप लोगों ने कभी Google AdSense के लिए अप्लाई किया था, आप लोगों ने यहां पे अकाउंट बनाया था, तो आप लोग एक बार ज़रूर अपने Google AdSense को अपने चेक कर लें कि आप लोगों का Google AdSense बना है या नहीं। चेक करने के लिए आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने गूगल एडसेंस बना लिया, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में दोस्तों, जो आप लोग जो जाती है अंडर रिव्यू में, आप लोगों का थर्ड स्टेप वो दोस्तों यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को परमिशन मिलती है, आप लोगों का चैनल वहां से मोनेटाइज के लिए अप्लाई होता है, वहां से एक्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, अब एक्सेप्ट आप लोगों का चैनल अगर आप लोगों को करवाना है तो वो कैसे होगा? तो दोस्तों, जब आप लोग अपना YouTube चैनल क्रिएट करते हो, तब दोस्तों वहाँ पे आप लोग जो भी वीडियो डालते हो, तो आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियो नहीं डालनी जिससे आप लोगों के चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए या कॉपीराइट आ जाए। आप लोगों को ऐसी किसी की वीडियो नहीं डालनी है, आप लोगों को किसी और चैनल की वीडियो अपने चैनल पे नहीं डालनी है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी होती है उसको रिजेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा योगदान इसका होता है। गूगल एडसेंस की बात करें तो गूगल एडसेंस तो आप लोगों का अप्रूवल हो जाएगा, सेकेंड स्टेप डन हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड स्टेप जो अंडर रिव्यू होता है यूट्यूब खुद से चेक करता है, उसमें दोस्तों आप लोगों को अपना थंबनेल आप लोगों को सही रखने हैं। थंबनेल आप लोगों को किसी का थंबनेल कॉपी नहीं करना है, आप लोगों को टाइटल्स टाइटल सही रखना है। आप लोगों की जिस टॉपिक पर वीडियो है उसी टॉपिक पर आप लोग टाइटल रखें। जो आप लोगों का जो टैग्स वगैरह हैं ये सब चेक होता है रिव्यू में, जो अंडर रिव्यू आप लोगों का चैनल जाता है ये सब चेक होता है। और आप लोगों की वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पे आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये सब ऑल टोटल यूट्यूब की टीम सर्च करती है, चेक करती है। तब दोस्तों, अगर आप लोगों का वहाँ पर आप लोगों ने फेक जैसे वॉच टाइम होता है वो नहीं लिए होंगे, आप लोगों ने फेक सब्सक्राइबर नहीं लिए होंगे, तो आप लोगों का यूट्यूब चैनल वहाँ से मोनेटाइज के लिए अप्लाई हो जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों ने कहीं से वॉच टाइम बढ़वाया है या आप लोगों ने सब्सक्राइबर बढ़वाए हैं और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो दोस्तों वो कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो आज मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना चैनल जब मोनेटाइज करने से पहले आप लोग अपना गूगल एडसेंस अलग से बना ले किसी अदर जीमेल अकाउंट से, और आप लोगों को इन जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं इनका ध्यान रखना है। थंबनेल चेक करने हैं, आप लोगों का सेम थंबनेल किसी भी वीडियो में नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आप लोगों का जो मोनेटाइजेशन अप्लाई आप लोगों ने किया है इसको रिजेक्ट होने में थंबनेल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। टाइटल आप लोगों के सेम नहीं होने चाहिए किसी भी वीडियो में। आप लोगों को सब कुछ चेक करके तभी आप लोगों को अप्लाई करना है आप लोगों की मोनेटाइजेशन के लिए। दोस्तों अगर आप लोगों का ये सब कुछ सही है तो आप लोग मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दो। आप लोगों का 24 से 48 या 72 घंटों के अंदर आप लोगों का जो चैनल होगा वो आप लोगों का मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने भी आप लोगों को करके दिखाया है, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने अप्लाई करके आप लोगों को दिखाया है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे होता है। बहुत ही आराम से मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कर दिया था और 12 घंटे के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज अप्लाई हो गया था और मोनेटाइज मेरा चैनल हो चुका था। तो दोस्तों आप लोग भी अगर मेरी तरह जल्दी से जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो आप लोग अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि आप लोगों को कैसे आप लोग अपना चैनल जल्दी मोनेटाइज कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर अब आप लोगों के जो जिनके चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुए हैं उनके चैनल को अब प्रमोट करूँगा। आप लोग भी बिल्कुल अपने चैनल को प्रमोट करवा सकते हो मुझसे, मैं उन चैनल को प्रमोशन कर दूंगा। और आप लोगों को बस उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे एक कमेंट वीडियो के अंदर ज़रूर करना है। उसके बाद आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आना है, वहाँ पे आप लोगों को मुझे मैसेज करना है आप लोगों का क्या चैनल नाम है, आप लोगों को मुझे वहाँ पे लिंक देना है, मैं आप लोगों का चैनल का प्रमोशन अपने यूट्यूब चैनल पर कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।